इंज करा तारीफ तेरे जपन दा तेरा मुख वेख्या रूह होई आसमानी अखा विच नींदर ना पैंदी दिल विच आ बेचैनी आपको पता चल ही गया होगा। तो जैसे कि आज का जो व्लॉग था मैंने नहीं बनाया था क्योंकि आज बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो मुझे आपको बहुत अच्छे से बतानी थी, लेकिन मैं व्लॉग नहीं कर पाई और मेरा व्लॉग करने का पहली बार बिल्कुल भी मन नहीं किया क्योंकि मुझे सच्ची में नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ आप लोगों को और कैसे ही मतलब आप लोगों को बताऊं कि हम लोग इतना एक्साइटेड थे, इतना सब कुछ हम लोग कर रहे थे। हम लोग शॉपिंग करके आए, हम लोगों ने अपनी पैकिंग की, पूरे दिन हम सर्च कर रहे थे, हमने होटल्स वगैरह बुक कराए, सब कुछ हमारा ऑल सेट था, सब कुछ डन था। और कल मतलब साहिल पूरी कार वॉशिंग के लिए देकर आए, सब कुछ मतलब ऐसे था कि हम लोगों को जाना है ट्रिप पे, जाना है ट्रिप पे, तो सब कुछ एकदम टाइम से होना चाहिए। तो जैसे ही जाने का टाइम आ रहा था और मतलब हम लोग सब प्लान कर रहे थे कि कितने बजे निकलना है, कैसे जाना है, लेकिन फिर एकदम से कॉल आती है काजल के फ्रेंड ऋतिक की कि उसकी सिस्टर दुबई से आए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि वो बोल रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ तू कहीं मत जा, मेरे जाने के बाद चला जाइयो। तो वो यहाँ पे कुछ 1 वीक और 8 डेज रहने वाले हैं। तो फिर उसने वो थोड़ा ऐसे ऑफकोर्स अब सिस्टर इतने सालों बाद आपके घर पे आई हैं और एकदम से आप ट्रिप पे चले जाओ तो बहुत अटपटा लगता है। इस बारे में हम लोगों को कोई नॉलेज नहीं थी कि दी आए हुए हैं, मतलब आए हुए हैं ये तो पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो फिर उसने जैसे ही ये बोला तो सब थोड़े एकदम साइलेंट हो गए कि अभी क्या करें क्या करें क्या करें। उसके बाद फिर सबने डिसाइड किया कि कोई बात नहीं, तब दी चले जाएंगे, उसके बाद हम लोग चल लेंगे। पर उसने ये भी बोला तुम लोग चले जाओ, तुम लोग अपना सब कुछ जो इतना ये सब प्लान किया इसको स्पॉइल मत करो। पर हम लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि नहीं, जाएंगे तो सब साथ जाएंगे, अदरवाइज कोई कहीं नहीं जाएगा क्योंकि 10 दिन तो ऐसे ही निकल जाएंगे यार, वैसे इतना काम होता है।
तो कल फिर एकदम से क्या हुआ ना, होता है ना जब बहुत आप लोग खुश होते हो उसके बाद आपको रोना पड़ता है, तो हमारे साथ कुछ वैसा ही हुआ। मेरी काजल से फाइट हो गई, काजल यहाँ से चली गई, फिर उसने बोला मुझे नहीं यहाँ पे तेरे साथ रहना है। मैंने बोला अरे यार थोड़ा सा होता है ना, हम बात कर रहे थे, बात करते करते आर्ग्यूमेंट हो गई, आर्ग्यूमेंट करते करते फाइट हो गई, फिर वो चली गई। उसके बाद मेरा ऐसा सा हो गया कि मैं चुपचाप लेटी और लेटी मैं सो गई, पूरी रात नहीं उठी। सुबह भी मैं 11 बजे उठी, तब मैंने वो पोस्ट डाली थी कम्युनिटी पे कि मैं आज का व्लॉग थोड़ा लेट हो जाएगा, क्योंकि मैं जब उठी मैंने देखा कि तो टाइम निकल गया है, तो फिर मैंने सोचा व्लॉग ना करूं, एक दिन मिस कर देती हूं। फिर मैंने सोचा क्यों यार, हर बार का मेरा सेम ही होता है कि मैं बोलती हूं मैं मिस कर देती हूं फिर मैं करती नहीं हूं, लेकिन पहली बार मैंने व्लॉग नहीं किया था। और अभी मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मैगी लेकर आती हूँ, उसके बाद आप लोगों से बात करती हूँ। तो मेरी मैगी ऑलमोस्ट डन हो गई है, पहले इसको खाती हूँ यार, फिर आप लोगों को मिलती हूँ। और कल मैंने बेडशीट वगैरह भी चेंज कर दी थी, क्योंकि फिर मुझे ऐसे हो रहा था कहीं तो अपना माइंड डाइवर्ट करूं, तो अभी मैं जस्ट यहाँ मेरी मैगी रखी है, मैं खाती हूँ फिर आप लोगों को मिलती हूँ। तो बस गाइज यही सब था कि हम लोगों को फिर से सेक्रीफाइस करना पड़ा, और सेक्रीफाइस में देखो मैं तो बीच में पिस गई, क्योंकि मुझे था कि इतने टाइम से प्लानिंग हो रही है, इतनी ज़्यादा प्लानिंग हो रही है, कितनी बार हम लोगों ने प्लान किया, उसके बाद ऐसा हो गया कि नहीं अभी कैंसिल नहीं करेंगे, अभी कैंसिल नहीं करेंगे। तो मैंने एक बारी को काजल को बोला कि अभी चल लेते हैं, दोबारा फिर चल लेंगे, जस्ट ऐसे ही बोला था। लेकिन उसने जो फिर बोला वो बहुत ही ऐसे था कि नहीं यार तू चली जा, मैं नहीं जाऊँगी, मैं हम सब जाएंगे तो साथ जाएंगे, क्योंकि जितने हम एक्साइटेड हैं उतने ही वो लोग भी एक्साइटेड थे। फिर बहुत 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 ऐसे हो गया कि यार क्या ही हो रहा है, क्यों ही हो रहा है, कितना ही मतलब इंस्टेंट हम लोग ट्रिप प्लान करते हैं और इंस्टेंट ही हमारी कैंसिल हो जाती है। लेकिन ये कैंसिल नहीं हुई है, सिर्फ डेट थोड़ी और एक्सटेंड हो गई है। और आई गेस सब ने बहुत सारे कमेंट किए थे, और बहुत जगह सब लोगों ने जो मतलब बहुत सारे कमेंट में जो जगह आप लोगों ने गेस की वो बिल्कुल सही थी, और वहाँ पे अभी स्नो नहीं है, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो मैं सोच रही थी जो होता है अच्छे के लिए होता है, क्या पता तब तक हम लोग 10 दिन वेट करके जाएं तब तक स्नो हो जाए। तो मैं यही सोच रही थी भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, लेकिन वही है कि थोड़ा सैड तो हो ही जाते हैं। सब कुछ काम इतनी जल्दी जल्दी हम लोगों ने वाइंड अप किया था कि बस अब ट्रिप पर जाना है, बस अब ट्रिप पर जाना है, तो फिर नहीं हो पाया। बट कोई नहीं, कभी कभी फ्रेंडशिप में सेक्रीफाइस करना चाहिए, तो आपकी लाइफ में और अच्छा अच्छा कुछ हो जाएगा आगे, और भगवान जी सब देखते हैं, उनको भी अच्छा लगेगा कि भाई इन्होंने अपनी हैप्पीनेस को एक साइड रखा और अपने फ्रेंड की चीज़ों को समझा। तो बस गाइस आज का व्लॉग तो देखो कुछ ऐसा ही रहेगा, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है व्लॉग करने का, बट कल का व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि मैं थोड़ी सी अपने आप को मोटिवेट करूंगी, और बाकी तो आप सब हैं ही मुझे कमेंट में मोटिवेट करने के लिए। और आप सब बताना क्या हमने सही किया या गलत किया। आई नो कई लोग थोड़े डिसअपॉइंट हो जाएंगे कि वो ट्रिप का सोचकर बैठे थे और एकदम से कैंसिल हो गया, लेकिन अगर आप मेरी जगह होते तो मे बी आप यही करते। तो अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलती हूं आपको फिर से।